हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लवली किचन। चलिए चलिए जल्दी से मैं सिखाती हूँ आज आपको मीठे वाला आम, जो आम का मीठा, जिसको गलका बोलते हैं हम लोग पंजाबियों में। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। हमारे घरों में तो गलका बोलते हैं, क्योंकि आम, कच्चे आम को बॉयल करके उसमें गुड़ डाल के मीठा वाला कुछ बनता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए चलिए जल्दी से सीखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। कच्चे आम को छील के उसके पीसेस कट करने हैं, उसके छिलके निकालने हैं, थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, जीरा और नमक, उससे बन जाएगा हमारा गलका। जल्दी से देखिए, मैंने आम को हल्का सा पीसेस कट करके उसको बॉयल करने के लिए रखा है। देखिए झटपट फटाफट कैसे बनता है। ये देखिए, मैंने आम के, कच्चे आम के पीसेस कट कर दिए हैं और इसका पानी बॉयल, इसको एक बार बॉयल किया, ये पानी मैं फेंकूँगी इसको। और यहाँ पे मैंने तेल रखा है, देखिए गरम, एक चम्मच तेल लेना, बिल्कुल सिर्फ एक चम्मच तेल। इसमें डालूँगी मैं जीरा, ब्लैक पेपर और काला नमक, थोड़ा थोड़ा बस डालना है, इससे बनेगा इसका तड़का। और ये मैंने जितने आपके आम है वो हिसाब से आपको गुड़ ले लेना, इतना मैंने आधा पाव गुड़, पाव किलो गुड़ नहीं, पाव से भी आधा, उतने गुड़ को पानी में इसको बॉयल कर लिया। अब मैं ये पानी को एक बार फेंक दूंगी और ये पानी डाल के इसको पकाने वाली हूँ, और झटपट फटाफट बनता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली डिश। आप बच्चों को खिलाएंगे तो उनको मज़ा आने वाला है। अब मैंने ये पानी निकाल दिया, जो थोड़ा खटास रहती ना, खट्टा पानी निकाल दिया। अब ये गुड़ वाला जो पानी, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको थोड़ा सा छन्नी से छान लेंगे, ताकि गुड़ में कुछ भी कचरा वचरा कुछ भी आ जाता है तो निकल जाना चाहिए। देखिए ये अभी भी गुड़ पूरा मेल्ट नहीं हुआ, ये देखिए। अब मैं इसको चम्मच से निकाल के इसमें डाल दूंगी, ये पूरे गुड़ को, ये गुड़ वाला पानी से छन्नी से डाल देती हूँ। ये देखिए गुड़ को हमको मेल्ट करना है अच्छे से, ताकि वो जब तक मेल्ट नहीं होगा ना तो उसका मज़ा नहीं आने वाला। इसके अंदर भी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे मेल्ट करके डालेंगे तो जल्दी बन जाता है। और ये मेरा देखिए तड़का है। अब मैंने इसमें डाल देना अपना जीरा भी, नमक भी और ब्लैक पेपर सब एक साथ। और इसको लगा देंगे, इसको तड़का है इसका, हल्का सा तड़का बस लगेगा, जीरा को काला नहीं करना। इसमें डाल दी हमने ये, बड़े प्यार से स्लो गैस पे अभी ये पकेगा, धीरे धीरे इसको पकेगा। जो मैंगो है एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये जो गुड़ का पानी है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। अगर आपको कम लगता है तो गुड़ और डाल देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतने, ये मेरे कच्चे वाले दो ही आम थे, छोटी वाली केरी होती ना, दो या तीन कट करके मैंने ली थी बस। अब इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल आएगा अच्छे से, ये वाला भी मैं पानी ऐड करके इसमें थोड़ा सा और डाल दूंगी, और स्लो गैस पे पकेगा। और मैं झटपट रेडी करके दिखाती हूँ मेरे आम का गलका। चलिए चलिए देखिए, मेरा आम गुड़ रेडी हो गया और एकदम सॉफ्ट पीस हो गए हैं, देखिए एकदम नरम हो चुके हैं। और ये आम का जो ये जो पार्ट रहता है ना, बीच वाला, छिलके के बीच वाला होता ना, ये अंदर का, ये वाला स्किन जो इसके अंदर वाली कड़क वाली, इसको रखते हैं, इससे सपोर्ट मिलती है थोड़ी ना, ये तो पूरे मैश हो जाएंगे, उसके खिचड़ी जैसा हो जाएगा। ये सपोर्ट से भी ऐसे पीसेस रहते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है ये खाना। लेकिन जिनके गले ख़राब होते हैं, खट्टे से तकलीफ़ है, वो ना खाएं, बट लोग खाते ही हैं, मुझे पता है। हमारे घरों में भी बचपन में बनती थी, हम लोग खाते थे। अब देखिए रेडी हो चुका है मेरा ये, अब ये मुझे ठंडा हो गया, एकदम ठंडा होने के बाद हमको इसको डाल देना अपनी प्लेट में और इसको फ्रिज में रख देना। इसको ठंडा करके खाएंगे ना, फिर ये मज़ा आता है इसका खाने का। और गुड़ और डाल सकते हैं, अगर मैंने आधा पाव बताया तो आप पाव किलो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मीठा और खट्टे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको जल्दी से करती हूँ, देखिए अपने बाउल में, इसमें आपको दिखेगा इसका सुंदर सा कलर। ये देखिए, ये पड़ा पड़ा ना फ्रिज में, और अपने आप गाढ़ा हो जाता है, समझे ये बीबी। ये देखिए, ये फ्रिज में पड़ा पड़ा अपने आप इसका ना चिकनापन ना गाढ़ा गाढ़ा आ जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, फ्रेश देखिए। और ये जीरे और काली मिर्च के साथ में तो इसका सुपर टेस्ट लगता है। जल्दी से बनाइए, खाइए,
और आप लोग मुझे ज़रा डिश लिखा कीजिए, आपको कौन सी खानी है, बनानी है, या अपनी डिश बताया कीजिए कि मैं उसकी वीडियो बनाया करूँगी आपके लिए। चलिए चलिए, रेडी हो गया, मज़े कीजिए, खाइए। अब मैं चलिए चलिए, मेरा गलका हो चुका है रेडी, आम का पक चुका है, मैंने प्लेट भी कर दी है सुंदर प्लेट में। अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना प्यारा सुंदर कलर। इसमें गुड़ आप जितना चाहे डाल सकते हैं, मैंने कम डाला है क्योंकि कभी कभी गुड़ हम लोग की एज के लिए ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा मैं ही खाऊंगी, नहीं तो इसको जैम जैसा बन जाएगा, तो ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, बनाइए खाइए, खुश रहिए, मज़े कीजिए। और मुझे आपको एक रिक्वेस्ट और करनी है कि मेरे पेज के ऊपर अभी मेरे वीडियो के नीचे जब भी आप वीडियो देखते हैं, जहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आता है, वहाँ पे स्टार सपोर्ट आता है, तो आप मुझे स्टार सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे फेसबुक ने मेरे को स्टार सपोर्ट दे दी है। तो ये आप लोग के लिए है कि उसको स्टार सपोर्ट आपको मुझे देना है कि नहीं देना है, चेक किया कीजिए, दे सकते हैं आप लोग उसको, मुझे लगा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास तो सारी भूली बिसरी चीज़ें होती है, जैसे भूले बिसरे गाने होते हैं, ऐसे भूली बिसरी डिश होती हैं कि जो मुझे पुरानी चीज़ें याद आती हैं, जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, आप लोग को शेयर कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, हेल्दी वाले खाने सीखते जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।